वाट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं देखते हैं उसका आंसर आंसर मेटल्स हम मेटल्स किसको बोलेंगे मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर बिकॉज ऑल मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट सेल इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल जितने भी मेटल्स हैं सभी नेचर में इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं सभी स्टेबल होने के लिए अपने आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं एंड बी कॉम पॉजिटिवली चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं एग्जाम्पल लिथियम सोडियम एट्सेट्रा जैसे कि यहाँ पर टेबल्स में लिथियम आपका एक एलिमेंट्स है और इसका एटोमी नंबर थ्री होता है यदि हम लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन को देखें तो लिथियम के के सेल में टू अल्टन पहते हैं और एल सेल में वन इल्टन होगा यदि लिथियम वन इल्टन को डोनेट कर देता है तो वह हीम के जैसे स्टेबल हो जाएगा इसलिए लिथियम जो है अपने आउटर मोस्ट सेल में से मीन एल सेल में से वन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और एल आई प्लस मीन्स पॉजिटिव चार्ज में पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है उसी प्रकार यहाँ पे सोडियम आपका एक एलिमेंट है जिसका कि एटोमिक नंबर इलेवन होता है और यदि हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन को देखें तो के सेल में टू इलेक्ट्रॉन पा जाता है एल सेल में एट इलेक्ट्रॉन और एम सेल में वन इलेक्ट्रॉन पाया जाता है मीन्स सोडियम के आउटर मोस्ट सेल एम सेल में वन इलेक्ट्रॉन पाता हैं यदि सोडियम वन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है मिस लूज करता है तो उसका आउटर मोस्ट सेल एल हो जाता है और उस स्थिति में सोडियम जो है स्टेबल हो जाता है इसलिए सोडियम अपने आउटर मोस्ट सेल में से वन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और एन ए प्लस पॉजिटिव चार्ज में पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है और इसलिए लिथियम और सोडियम दोनों यहाँ पर क्या है मेटल्स हैं अब हम नॉन मेटल्स को देखते हैं तो नॉन मेटल्स हम किसको बोलेंगे नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर बिकॉज ऑल नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं सभी नेचर में इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं क्योंकि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं सभी स्टेबल होने के लिए किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं एंड हैंकॉम नेगेटिवली चार्ज और जितने भी नॉन मेटल्स हैं वे किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को गेन करके प्राप्त करके नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं नॉन मेटल्स का एग्जाम्पल होगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन एटसेट्रा जैसे कि इस टेबल में नाइटोन है और नाइटन एक, एक एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर सेवन होता है यदि हम नाइटन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन को देखें तो के सेल में टू उल्टन पाते हैं और एल सेल में फाइव इलेक्ट्रॉन होगा इसके अनुसार नाइट्रोन के आउटर मोस्ट सेल में फाइव इलेक्ट्रॉन है और नाइटोन को स्टेबल होने के लिए थ्री मोर इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो होती है इसलिए नाइट्रोजन जो है किसी दूसरे एलिमेंट से थ्री इल्टन को गेन करता है और नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं उसी प्रकार यहाँ पे ऑक्सीजन से एक एलिमेंट है जिसका कि एटोमिन नंबर ऐड होता है और यदि हम ऑक्सीजन का इलिटॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखें तो के सेल में टू इल्टन पाते हैं और एल सेल में सिक्स इल्टन होगा मीन्स ऑक्सीजन के आउटर मोशन में यहाँ पे सिक्स इल्टन है और ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए टू मोर इल्टन की आवश्यकता है इसलिए ऑक्सीजन किसी दूसरे एलिमेंट से टू इल्टन को गैन करता है और नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होते हैं है इसलिए यहाँ पर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को नॉन मेटल्स बोलेंगे मीन्स कोई भी एलिमेंट्स जो कि स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को गैन करता है और नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है उस एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे नॉन मेटल्स बोलेंगे